महानगर के थाना मंझोला अंतर्गत शिवाजी नगर निवासी पीड़ित परिवार ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र पेश करके इंसाफ की गुहार लगाई है। सोमवार को पीड़ित परिवार द्वारा एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि उनके प्लॉट पर दबंग लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि ये मामला न्यायालय में विचार अधीन है। विरोध करने पर दबंगों द्वारा उन्हें बेरहमी के साथ मारा पीटा गया है, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय थाना पुलिस को भी कर दी गई है, लेकिन कोई कार्यवाही दबंगों के खिलाफ नहीं की जा रही। एसएसपी से दबंगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किए जाने एवं अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने की मांग उठाई गई है। पीड़ित महिला रानी ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, हमारा प्लॉट पड़ा है दादा लाइन, हम अपने प्लॉट पर जाते हैं, हमारा पीटी का धमकी देती है और जान से मारने की धमकी देती है। कौन? सबको कौन देता है? सविता यादव। क्या है ये? आंगनवाड़ी में नेता है वो, आंगनवाड़ी के। तो वो क्या कहती है उस जमीन पर? तो ये कहती है हमारी जमीन आपकी नहीं है, आप यहाँ मत आना, बिल्कुल भी ना जान से मारेंगे। तो हाथ पैर तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तो इसका कोई मुकदमा आपका अदालत में चल रहा है? हमारा मुकदमा चल रहा है, हमारा हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। और एक बना के भी खड़ा कर लिया उसने, कब्जा कर रही है, बना रही है। को आपने कोई शिकायत की है? शिकायत की हमने, कोई सुनवाई नहीं करता। आज किससे मिले थे आप लोग? आज हम डीएम से मिले थे। क्या मांग की है आपने? हमने ये मांग की है कि हमारा इंसाफ करें।